इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। जिले में पानी की कमी के 46 गांवों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिले में पेयजल के लिए 168 निजी कुएं आरक्षित। बुलढाड़ा जिले में पानी की कमी पड़ गई है और टैंकर प्रभावित जिले की ओर जाने लगे हैं। मौजूदा स्थिति में कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि जिले के 46 गांवों में 47 टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में टैंकरों से प्रभावित गांव की यह सबसे अधिक संख्या है, इसलिए आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी की आशंका है। इस बीच जिले में टैंकरों की संख्या दुगनी हो गई। इस स्थिति को देखकर आशंका व्यक्त की जा रही है कि मीखेड़ जिले के करीब 82 गांवों को टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी। जिले के 136 गांवों में पानी की कमी बढ़ने से पेयजल के लिए 168 निजी कुएं आरक्षित करने होंगे या और भी बढ़ सकता है। कमी को ध्यान में रखते हुए इसका दायरा बुलढाड़ा और देउल गांव राजा तालुका में अधिक है। बुलढाड़ा के 12 गांव और देउल गांव राजा के 11 गांव को टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जानी है। जिकदी तालुका के 10 मेकर के 9 मोटाला के 5 गांव को टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है। 144,640 लोग अब टैंकर के पानी पर निर्भर है। बुलढाड़ा जिले में नल गंगा, खड़गपुरा, पेंटा कली या 3 बड़े प्रकल्प है। 12.39% जल उपलब्ध है। इसके अलावा ज्ञान गंगा, मस्क, कोराली, पलझर, मन टोड़ा, उतावली या 7 माध्यम प्रकल्प है, जिसमें 23.80% जल उपलब्ध है। इसके अलावा 41 लघु प्रकल्प है, जिसमें 17.15% जल उपलब्ध है। सभी बारिश के समय तक मई के महीने में उपलब्ध प्रकल्पों में बड़े पैमाने पर जल घटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यही हाल रहा तो बुलढाड़ा जिले में जल किल्लत का मुकाबला करने के लिए नागरिकों को टैंकरों से जल उपलब्ध करना पड़ेगा।